जैसे इन्होंने बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ, मैं आज आपकी अदालत में हाजिर हो गई हूँ, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मतलब है कि सोचा ना था हमने दिले बेताब हमारे, सोचा ना था हमने दिले बेताब हमारे, टूटेंगे किसी रोज सभी ख्वाब हमारे। सोचा ना था हमने दिले बेताब हमारे, टूटेंगे किसी रोज सभी ख्वाब हमारे। और अहले नजर की महफिल है, मैं शेर हाजिर करती हूँ कि जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, हो जाएं खफा शौक से अहबाब हमारे। जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, हो जाएं खफा शौक से अहबाब हमारे। एक मतलब एक शेर हासिल करती हूँ कि हर किसी ने देखी है रोशनी चरागों की, हर किसी ने देखी है रोशनी चरागों की, काश देखता कोई तीर की चरागों की। हर किसी ने देखी है रोशनी चरागों की, काश देखता कोई तीर की चरागों की। गम शनास हैं हम भी, आप इनको गुल कर दें, गम शनास हैं हम भी, आप इनको गुल कर दें, हम ना देख पाएंगे बेबसी चरागों की। गम शनास हैं हम भी, आप इनको गुल कर दें, हम ना देख पाएंगे बेबसी चरागों की। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, मैं चाहती हूँ पीछे वाले भी मेरी थोड़ी हौसला अफजाई करें कि तू जो बिछड़ा तो मोहब्बत का असर जाना है, तू जो बिछड़ा तो मोहब्बत का असर जाना है, तेरा जाना भी कयामत का गुजर जाना है। जी मैं हाजिर करती हूँ कि तू जो बिछड़ा तो मोहब्बत का असर जाना है, तेरा जाना भी कयामत का गुजर जाना है। और अगर यही हालत आजार रही तो सुन ले, अगर यही हालत आजार रही तो सुन ले, तेरी दहलीज पे एक दिन मुझे मर जाना है, तेरी दहलीज पे एक दिन मुझे मर जाना है। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इतनी अच्छी निजामत मंसूर साहब कर रहे हैं, मैं पहली बार उनकी निजामत में मुशायरा पढ़ रही हूँ। एक गजल की चंद अशआर हासिल करती हूँ कि जज्बाए इश्क की शिद्दत में चले आए हैं, जज्बाए इश्क की शिद्दत में चले आए हैं, जिस तरह थे उसी हालत में चले आए। जज्बाए इश्क की शिद्दत में चले आए हैं, जिस तरह थे उसी हालत में चले आए हैं। और हुस्न-ए-मतला हाजिर करती हूँ कि क्या कहें कितनी अलालत में चले आए हैं, क्या कहें कितनी अलालत में चले आए हैं, सच कहें आपकी चाहत में चले आए हैं। क्या कहें कितनी अलालत में चले आए हैं, सच कहें आपकी चाहत में चले आए हैं। और अगर कोई और बुलाता तो ना आते हरगिज, अगर कोई और बुलाता तो ना आते हरगिज, हम तो बस तेरी मोहब्बत में चले आए हैं। अगर कोई और बुलाता तो ना आते हरगिज, हम तो बस तेरी मोहब्बत में चले आए हैं। और एक शेर बतौर खास कि मातबर हमने तुझे मान लिया है हमदम, मातबर हमने तुझे मान लिया है हमदम, इसलिए तेरी कयादत में चले आए हैं। और मैली नजरों से जमाने की बचाने खुद को, मैली नजरों से जमाने की बचाने खुद को, तेरी नजरों की हिफाजत में चले आए। मैली नजरों से जमाने की बचाने खुद को,
तेरी नजरों की हिफाजत में चले आए हैं और तेरी गलियों से जो गुजरे जयपुर की तेरी गलियों से जो गुजरे तो ये महसूस हुआ तेरी गलियों से जो गुजरे तो ये महसूस हुआ जैसे हम अपनी रियासत में चले आए तेरी गलियों से जो गुजरे तो ये महसूस हुआ जैसे हम अपनी रियासत में चले आए हैं और फैसला जो भी हो फैसला फैसला जो भी हो मंजूर हमें है मीना फैसला जो भी हो मंजूर हमें है मीना आज हम तेरी अदालत में चले आए आपकी सादगी और गजल की बेबाकी ये बताती है कि फैसला आप ही के हक में होगा और वो अदालत वाला शेर के अदालत में आप चले आए मौसम साहब को आप खिताब कर देती हैं मुखातिब कर देती हैं शेर पर तो डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नजम सुना के मैं अपनी जगह लूंगी। जी साहब। नजम हाजिर करती हूँ। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही जरूरी है चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही जरूरी है चलो हम मान लेते हैं मुकद्दर में ही दूरी है चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी जो है मजबूरी चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे चलो माना कि रोके है रसन हालात की तुमको चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही जरूरी है चलो हम मान लेते हैं मुकद्दर में ही दूरी है चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी जो है मजबूरी चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे चलो माना के बांधे है रसन हालात की तुमको चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई मगर इतना बता दो बस मगर इतना बता दो बस जुदा होने से ए हमदम ताल्लुक टूट जाएगा मगर इतना बता दो बस जुदा होने से ए हमदम ताल्लुक टूट जाएगा हमें तो भूल जाओगे मोहब्बत और रिफाकत के वो सारे दिन वो सब लम्हे तुम्हारे जहन और दिल से निकल जाएंगे मुमकिन है मगर इतना बता दो बस जुदा होने से ए हमदम ताल्लुक टूट जाएगा हमें तुम भूल जाओगे मोहब्बत और रिफाकत के वो सारे दिन वो सब लम्हे तुम्हारे जहन और दिल से निकल जाएंगे मुमकिन है अगर मुमकिन नहीं है तो जुदा होने का क्या मतलब अगर मुमकिन नहीं है तो जुदा होने का क्या मतलब बिछड़ जाने का गम कैसा अगर मुमकिन नहीं है तो जुदा होने का क्या मतलब बिछड़ जाने का गम कैसा ये नाले और फुगां क्यों हैं हम इतने बेकरार क्यों हैं हम इतने बेकरार क्यों हैं हम आपस में गिरां क्यों हैं वाह 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 वाह